शहर के व्यस्ततम बाजार भोपाल क्लब चौराहे पर पिछले कई दिनों से नालियों का पानी सड़कों पर फैला हुआ है, जिससे दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आने जाने वाले लोग भी गंदे पानी से होकर निकलने को मजबूर है। दुकानदार श्याम सुंदर नंदावत लोकवाणी न्यूज को बताया कि 20 दिनों से सड़क पर पानी भरा हुआ है। पार्षद और नगर परिषद को शिकायतें की हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मच्छर पैदा हो रहे हैं और बीमारी की आशंका भी पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि सड़क पर गंदा पानी भरा होने से दुकानों तक ग्राहक पहुंच नहीं पा रहे हैं, जिससे उन्हें नुकसान हो रहा है। दुकानदारों के साथ ही ग्राहक वहां वाहन खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि सुनवाई नहीं की गई तो सारा हर्जाना नगर परिषद को भुगतना पड़ेगा। भोपाल क्लब के बाहर भाऊ जी ये पानी भरा हुआ है, हम 10 दिन से परेशान हो रहे हैं। हमारे 800 रुपए का दुकान किराया लग रहा है, दो नौकर काम कर रहे हैं भाऊ जी, नगर परिषद सुनती नहीं है, जमादार के पास जाते हैं सुनती नहीं है भाऊ जी, हम क्या करें, हम कहाँ जाएंगे। अब रोज 15 दिन 10 दिन से हम रोज उनके पीछे जा रहे हैं, बोले काम हो रहा नहीं हो रहा, आते रोज रोज प्रचार करेगा भाऊ जी, रोज पानी भरा हुआ है भाऊ जी। पानी कहाँ से आया ये पानी? नाली के अंदर जा रहा है भाऊ जी, नगर परिषद सफाई नहीं करती रोज भी। मेन बाजार है भाऊ जी, मेन गांधी भोपाल क्लब गांधी बाजार के बाहर पानी कहाँ टकराए? ये पानी नाली साफ नहीं होती भाऊ जी, इसकी वजह से टकराए भाऊ जी। पानी रोज जमादार के पास जाता है, कोई सुनवाई नहीं करता हमारी, और रोज कहते हैं हाँ हो जाएगा, और जमादार बिल्कुल ही लापरवाही कर रहे हैं बिल्कुल। अरे वाहन वगैरह सारे वाहन देखो ना भाऊ जी, कीचड़ हो रहा पूरा, पानी भरा हुआ वहाँ से वहाँ खींचो ना फोटो आप, पूरे वाहन में कीचड़, खेत तक दुकान, चार दुकानों तक पानी भरा हुआ है।